हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। फ्रेंड्स हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है और ये मिसकॉन्सेप्ट पहले मुझे भी था। लोग हेल्थ और फिटनेस के बीच के डिफरेंस को नहीं समझते। लोग जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं और वो समझते हैं कि वो हेल्दी हैं। हो सकता है कि वो फिट हों बट वो हेल्दी नहीं होते। जिम में मोस्टली जितने लोग जाते हैं वो हेल्दी नहीं होते। चलो मैं आपको हेल्थ और फिटनेस के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। फिटनेस हमारी बॉडी की एबिलिटी है कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी करने की, और हेल्थ उसे कहते हैं जब हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स जैसे नर्वस सर्कुलेटरी मस्कुलर और सारे सिस्टम्स ठीक से काम करें। लोग अक्सर फिट रहने के लिए अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, बट ट्रस्ट मी हेल्थ और फिटनेस में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। बट ऐसा नहीं कि आप एक साथ हेल्दी और फिट नहीं रह सकते, आप एक साथ हेल्दी और फिट दोनों रह सकते हैं। तो चलें मैं आपको ऐसी 6 टिप्स बताता हूँ जिससे आप हेल्दी और फिट दोनों रह सकते हैं। टिप नंबर 1, द पावर ऑफ ब्रेथ। फ्रेंड्स अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो एक हेल्दी सर्कुलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस सिस्टम का जो कंट्रोल बटन है वो है ब्रीथिंग। फ्रेंड्स वैसे तो इसकी बहुत डिटेल है कि कैसे काम करता है, बट अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली आपको एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको दिन में एटलीस्ट 3 मरतबा करनी है। इसके लिए अगर आप किसी चेयर पर बैठ जाएँ या फिर ज़मीन पर ही क्रॉस लेग्स करके बैठ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश करना कोई डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस हो। सबसे पहले आपको 4 सेकंड्स तक इनहेल करना है अपनी नोज से, और उसके बाद 16 सेकंड्स तक होल्ड करना है, और उसके बाद 8 सेकंड्स तक एक्सहेल करना है। ऐसा आपको 10 ब्रेथ्स लेनी है एटलीस्ट दिन में 3 बार। बट फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि आप एक दिन करो दूसरे दिन स्किप कर दो, आपको डेली करना है, और 1 मंथ के बाद देखना आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। फ्रेंड्स इसी पॉइंट में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट है एरोबिक एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग और स्विमिंग वगैरह। टिप नंबर 2, ईटिंग वाटर रिच फूड्स। हमारी 80% बॉडी पानी से बनी हुई है, तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी है कि हमारी डाइट में 70% वाटर रिच फूड हो। फ्रेंड्स वाटर रिच फूड सिर्फ 3 टाइप्स के हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स। फ्रेंड्स एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि हर्बीवर्स की लाइफ कार्निवर्स से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स याद रहे वाटर रिच डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लो। टिप नंबर 3, इफेक्टिव फूड कंबाइनिंग। फ्रेंड्स जिम जाने वाले लोग अपनी फिटनेस के चक्कर में अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आप एक साथ हेल्दी और फिट दोनों रह सकते हैं। एक रीज़न कि जिम जाने वाले हेल्दी नहीं होते वो ये है कि उन्हें फूड कंबाइनिंग नहीं आती। देखो मैं समझाता हूँ, कंडेंस फूड उन्हें कहते हैं जो वाटर में रिच नहीं होते, जैसे राइस एग्स, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स के अलावा कुछ भी। बस आपको ये माइंड में रखना है कि कभी भी एक ही मील में एक साथ 2 कंडेंस फूड नहीं खाने। फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैं एक जिम ट्रेनर की वीडियो देख रहा था जिसमें वो प्री वर्कआउट मील के बारे में बता रहा था, मतलब आपको वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए। तो उसमें उसने बताया कि आपको वर्कआउट से पहले बहुत ज़्यादा कार्ब और प्रोटीन कंज्यूम करना है। देखो यही गलती है। फ्रेंड्स मैंने वर्कआउट से पहले कार्ब और प्रोटीन वाली डाइट और वेजिटेबल्स डाइट दोनों ट्राई की थी, ट्रस्ट मी कोई ऐसा फर्क नहीं आता। अगर आप वेजिटेबल्स से भी उतनी कैलोरीज कंज्यूम करो तो। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्ब और प्रोटीन कंज्यूम ना करो, बस एक साथ कंज्यूम ना करो, एक मील में बस एक ही कंडेंस फूड कंज्यूम करो। अगर आप चाहो तो उसके साथ आप एक वाटर रिच फूड ले सकते हो, जैसे राइस के साथ वेजिटेबल्स ले सकते हो। टिप नंबर 4, कंट्रोल्ड कंजम्पशन। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर क्लाइव मके ने एक फेमस स्टडी कंडक्ट की थी। अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लेबॉरेटरी के रेट्स का फूड इनटेक हाफ कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन डबल हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ मैसेज सिंपल है, खाना कम खाओ। अगर आपको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा खा सकते हो, बट वाटर रिच फूड। टिप नंबर 5, इफेक्टिव फ्रूट कंजम्पशन। फ्रेंड्स आपने कभी डेजर्ट के बाद या फिर किसी बड़े मील के बाद फ्रूट खाया है? अगर खाया है तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आई होगी, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। फ्रूट हमेशा एम्प्टी स्टमक में खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रूट कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि उस स्टमक में जाने के कुछ ही मिनट्स बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर शुगर रिलीज करता है। लेकिन अगर आपके स्टमक में मीट पोटैटोज या कुछ भी होगा तो फ्रूट स्टमक में फंस जाएगा, और उसी की वजह से आपको बुरी वाली फीलिंग आती है। तो याद रहे फ्रूट्स हमेशा एम्प्टी स्टमक में खाना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट से पहले। टिप नंबर 6, प्रोटीन मिथ। आज तक हेल्थ के बारे में हमसे जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है वो ये है कि हमें हेल्दी रहने के लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। आपको क्या लगता है एक पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो इन्फेंट होता है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी होता है, तब उसकी प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? मदर मिल्क।
आपको पता है मदर के मिल्क में कितना प्रोटीन होता है? सिर्फ 2.38%। फ्रेंड्स, प्रोटीन के बारे में हमारे जितने बिलीव्स हैं सब गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लान क्या है? लोगों के माइंड में ये बिलीव बिठाना कि अगर उन्होंने उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो मर जाएंगे। और प्रोटीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चलो चेक करते हैं। पहला गलत बिलीव ये कि हमें एनर्जी के लिए प्रोटीन की नीड है। गलत। हमारी बॉडी एनर्जी के लिए क्या यूज़ करती है? सबसे पहले वो ग्लूकोज यूज़ करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स में से। फिर वो स्टार्च यूज़ करती है, फिर फैट यूज़ करती है, और फिर एंड में प्रोटीन। दूसरे बिलीव की बात करते हैं कि प्रोटीन हमारा एंड्यूरेंस बिल्ड करता है। गलत। ये भी गलत। एक्सेस प्रोटीन हमारी बॉडी के एक्सेस नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फेटीक हो जाता है। थर्ड बिलीव की बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग बोन्स बिल्ड करता है। ये भी गलत। बहुत ज़्यादा प्रोटीन से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन्स वेजिटेरियंस की होती हैं। फ्रेंड्स, आप जिम जाओ, अपनी वही वर्कआउट रूटीन रखो, बस इन 6 टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी डाइट चेंज कर दो, जिससे फिर आप हेल्दी और फिट दोनों रहोगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।